नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेत्री की मुस्कान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो है माधुरी दीक्षित। ऐसे में लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं। 15 मई 1967 को पैदा हुई माधुरी दीक्षित 55 वर्ष की हैं और आज के समय में वह एक मशहूर अभिनेत्री मानी जाती हैं। 1984 से 2002 तक और 2007 से अब तक वह पूर्ण रूप से फिल्मों में एक्टिव रही हैं और आज के समय में भी उनके मुकाबले की डांसर बॉलीवुड में शायद ही कोई हो। लेकिन आज हम आपको माधुरी दीक्षित का घर दिखाएंगे। घर उनकी तरह ही बेहद खूबसूरत है। घर के अंदर वुडन आर्किटेक्चर और एकदम खूबसूरत इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित को डांसिंग का बहुत शौक है, इसके लिए घर के अंदर अलग से प्रबंध किया गया है। घर के अंदर स्विमिंग पूल के अलावा हर सुविधा का ख्याल रखा गया है और गाड़ियों के लिए एक अलग पार्किंग बनाई गई है। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने फिल्मों में जब काम करना शुरू किया तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज के समय में वह एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। 1984 में उन्होंने पहली फिल्म की थी जिसका नाम था अबोध। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक कई फिल्में की और कई फिल्मों के लिए अवार्ड भी प्राप्त किए। ऐसे में आपको माधुरी दीक्षित की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।